परिवारों को मुआवजा दे और उसके तर्कों को भी पिछले बार मैंने आपके बीच रखा था। चूंकि परिवार ने जिन परिवारों में संक्रमण इस बार हुआ एक से अधिक सदस्यों का हुआ है, अगर कोई सदस्य नहीं रहे तो उस परिवार के माली हालत देख लीजिए। चूंकि उसने उस परिवार ने का हॉस्पिटल का खर्चा, अगर दो तीन संक्रमण हो गए तो उसके हॉस्पिटल का खर्चा, क्योंकि हमारा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पर सरकार का कोई अंकुश नहीं था, कोई लगाम नहीं था, कोई नीति नहीं थी। उसने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई और अपना सदस्य दोनों खो दिया है, तो ऐसे परिवारों को सहयोग मिलना चाहिए था। और हमने भी मांग, मैं उस मांग को दोहराता हूं कि उनको मदद करें। मैंने देखा कि भारत सरकार के इस पहल पर और न्यायालय के इस के बीच में, प्रक्रियाओं के बीच में या एफिडेविट के बीच में, मैंने देखा कि कांग्रेस दल ने आलोचना किया कि भारत सरकार को मात्र राशन का वितरण नहीं करना चाहिए बल्कि उन परिवारों को मुआवजा देना चाहिए। मैं उसी कांग्रेस दल से कहता हूं कि वर्तमान में इस राज्य में आपकी सरकार है, क्या ऐसा विचार अपने प्रदेश में भी आप रखते हैं? तो आपको निर्णय लेने के लिए किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो अभी बोल रहे मुआवजे को लेके, तो आप एनडीए अलायंस के पार्ट हैं और एनडीए गवर्नमेंट ने 4 लाख रुपए देने से मना कर दिया, आप कांग्रेस के ऊपर बात कह रहे हैं कि कांग्रेस स्टेट में है तो स्टेट में क्यों नहीं इस सवाल को उठा रही है कांग्रेस? जनता क्या समझे, कांग्रेस और बीजेपी को एक ही तराजू में तौले या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था कि जो लोग मरे हैं उनके परिवार पे क्या गुजर रही है? ये हर गवर्नमेंट को समझना है। आप बिहार सरकार ने 4 लाख देने की घोषणा की थी, मिल भी रहा, कई राज्य और आगे बढ़ चुके हैं। मैंने ये कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय को इंकित करने से अच्छा है कि अपने प्रदेश में ऐसे परिवारों को मुआवजा देकर आप उदाहरण प्रस्तुत करें तो बेहतर होगा। आप केंद्र के इस डिसीजन को कैसे देखते? मैं भारत सरकार, मैंने हर लोगों को, भारत सरकार अभी अनाज दे रही है, भारत सरकार का अनाज अभी वितरण हो रहा है, और मैं जब भी कोई बात बोल रहा हूँ मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, राज्य सरकार उससे अलग नहीं, केंद्र सरकार अलग नहीं। लेकिन अगर कोई दल इस रूप से इंकित होकर अपने बात कर रहा है तो सबसे पहले आपको निर्णय लेने का जहाँ अधिकार है, जिस क्षेत्र में आप नेतृत्व दे रहे हैं, सबसे पहले इस प्रदेश के लिए तो कुछ करिए। इस प्रदेश में आपको करने से कोई भारतीय जनता पार्टी ने रोका नहीं, एनडीए ने रोका नहीं। और थर्ड वेव को लेकर चेतावनी जो है लगातार जारी हो रही है, जिस रूप से पहल होनी चाहिए गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि सबसे पहले सरकारी दल के लोगों ने वैक्सीनेशन पर उंगलियां उठाई जो एक बड़ा कारण है, और अब चूंकि ये अनिवार्य विषय एकमात्र विकल्प है, चूंकि आप कोविड को लेकर कोई दवा नहीं बना, एकमात्र अपने शरीर की क्षमता वर्धन के लिए ये टीकाकरण बहुत आवश्यक है ताकि हम उनका मुकाबला कर पाए। तो समाज के अंदर में इनकी अपीलिंग पावर जो है, हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके अपील के बाद भी लोग टर्न अप नहीं हो पा रहे हैं तो समाज के इन वर्गों के बीच में आपकी अपीलिंग प्रदेश में बैकवर्ड। मैंने कहा कि सरकार ने दो चीजें तो खो दी है, एक जो गवर्नमेंट होती है उनकी नजर सबके लिए होती है, और कहीं ना कहीं मैंने सोचने का जो तरीका और जो निर्णय आ रहे हैं उसको संकुचित कहा है। राज्य सरकार संकुचित विचार के साथ और सोच के साथ और निर्णय के साथ पूरे राज्य का और राज्य के लोगों का विकास की धारणा अवधारणा नहीं कर सकती है। दूसरा, एक कल्याणकारी स्टेट का जो तबका होता है वो तो हम लोग खो चुके हैं, 2 साल से स्टेट के बजट प्लान में भी काम नहीं हो पाया है। एक कल्याणकारी राज्य का जो कल्पना होता है वो हम खो चुके, दर्जा भी हम लोगों ने खो दिया है। सुदेश जी, तो ये एक बड़ी समस्या है, आप 2021 को इन्होंने कहा था कि रोजगार वर्ष के रूप में मनाएंगे, अच्छा ये, लेकिन जो स्थितियां पार है और जिस प्रकार से युवा विरास दिखाई दे रहे हैं, राज्य सरकार के एफर्ट तो किस रूप में देगा? देखो, मैंने शिक्षा रोजगार दोनों पर मैंने आपसे चर्चा में रखा है,
और सबसे ज्यादा प्रभाव शिक्षा के बारे में नहीं कहा और रोजगार पर प्रभाव पड़ा है। रोजगार के कोई डेढ़ साल के अंदर गवर्नमेंट का, एक गवर्नमेंट आती है एक उम्मीद के साथ आती है, एक जनमत लेके आती है, तो एक डायरेक्शन होता है कि यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए जो अपील आप करते हैं, जो अपील आपने किया, जो संकल्प आपने लिया है, उसको कहीं ना कहीं प्रतिरक्षित करेंगे। वो कहीं भी कोई कार्यक्रम में नहीं दिखाई देता है, ना योजना में दिखाई देता है, केवल अखबार के माध्यम से आपने कहा कि इस वर्ष को निश्चित रूप से रखा, तो उसका एक साफ बहाना है कि कोविड के कारण हम नहीं कर, सरकार का जवाब यही पाएगा। लेकिन इंटरनल सरकार, उसके बाद भी सरकारें चल रही है, क्या कोविड के कारण सरकार ठप तो नहीं हुआ, सरकार चल रही है, सरकार अपना दायित्व तो निभाने का उसके पास सारा सिस्टम उनके पास है। तो भविष्य में कोविड के साथ साथ हम कैसे ऐसे रोजगार सृजन कर सकते हैं, लोगों के लिए रोजगार की स्थितियां कैसे हम सामने ला सकते हैं, इस पर अभी कुछ कहीं पर कोई विचार नहीं देखे। किसान के हालात भी आप देख लो कि बीज का पैसा, उनके लिए मुआवजा का पैसा के लिए लोग अभी त्राही माम है, बीज खरीद नहीं पा रहे हैं, सब्सिडी का बीज आम लोगों तक सीधे तौर पर नहीं जा रहा है। एक बड़ा विचित्र कठिन स्थिति इस प्रदेश में सभी वर्गों के लोग हैं, चाहे पढ़ाई करने वाले मेरे छात्र छात्राएं हो, रोजगार में हो, किसान हो, जो पूरे प्रदेश का इस हालात में भी, पूरे देश में अगर वर्तमान में जो स्थिति को कोई कंट्रोल रखा है तो वो मात्र खेती है, कि भारत का पूरा स्थिति केवल या प्रबंधन या जो कहें राजस्व का जो सबसे बड़ा हिस्सा कुछ भी बना हुआ है, तो अभी ये ग्रामीण हमारा परिवेश में जो खेतीबाड़ी से जो उत्पादन होता है वही भारत का रीढ़ बन के अभी भारत को इस आर्थिक परिस्थिति में टिका के रखा है। अच्छा दादा, ये आपने कहा कि कृषि बेस काम हो रही है, सरकार फोकस नहीं कर पाती है, ये माना जाए कि आदिवासी और मुस्लिमों के पर ही फोकस करती है। मैंने कहा उसके भाव क्या होंगे उसको समझिए, उसके निर्णय के बीच में जाइए। धन्यवाद सभी को, चाहिए ठीक है भैया, वो शुरू करा देते हैं।